नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी मिलजुल कर रंग लगाएं, दुश्मनी भुलाकर सभी को गले लगाएं और आपस में मिलजुल कर रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई दिग्गज हस्तियों ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। वहीं विदेशों के कई राष्ट्राध्यक्ष ने भी होली की शुभकामनाएं दी है। होली को लेकर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि आज दिल्ली मेट्रो दोपहर 2:30 बजे के बाद चलाई जाएगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं तक कार्यरत शिक्षकों के होली का जश्न रहेगा फीका। दरअसल आज से 30 मार्च तक 78 प्रशिक्षण संस्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जहां शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षकों में खासा नाराजगी दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश में राजनीतिक उबाल पर आ गया है, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इसके जवाब में सड़क पर दिख रही है। दरअसल दिल्ली बीजेपी नेता अब सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कनॉट प्लेस में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के सीएम से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सुरक्षा बलों के साथ होली खेली। वहीं खबर है कि खराब मौसम के कारण सियाचिन का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा। बीजेपी मध्य प्रदेश के सभी 64,523 बूथों पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। होली त्योहार को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को बिजली को लेकर तोहफा दिया। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेश में होली के दिन 24 घंटे लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। इस खास दिन को मनाने में बिजली किसी भी तरह से बाधित ना हो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होली नहीं मनाएंगी आम आदमी पार्टी। यहां गोपाल राय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो तानाशाही कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में होली पर उड़ीसा से कार से तस्करी कर लाया गया करीब 5 लाख रुपए कीमत का 51 किलो गांजे कंकर खेरा थाना पुलिस ने बरामद किया, जहां पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से लाए गए इस गांजे को होली पर मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में खपाना था। आरजेडी से बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उतारे जाने की खबर को लेकर कांग्रेसी नेता पप्पू यादव बिफर गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि उनके हितों की रक्षा करना अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। होली सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली मेट्रो में 2 लड़कियों का एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जहां इसके वायरल होने पर यूजर ने मेट्रो के खिलाफ काफी नाराजगी जताई थी। वहीं अब डीएमआरसी ने कहा है कि प्राथमिकी तौर पर यह वीडियो फर्जी लग रहा है, फिर भी हम अभी जांच कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला किया और पंजाब में नकली शराब से लोगों का जान ले रहे हैं। वहीं शराब से हुई मौत की सीबीआई से जांच की भी मांग की। आज पूरे देश में होली मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा में होली के चलते परिवहन सेवा बाधित रहेगी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए घर से निकलने से पहले ये सोच समझ कर निकलें। उत्तराखंड के सीएम के आवास पर एक दिन पहले से ही होली की धूम दिखाई दे रही है, जहां ढोल दमाओं की थाप पर थिरकते नजर आए पुष्कर सिंह धामी। आदर्श आचार संहिता और होली पर्व के दौरान झारखंड में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर झारखंड पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान आम लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की और हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने की बात कही।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने नहीं बल्कि जांच एजेंसी ने लगाया है। साथ ही सीएम ने कहा कि अगर भूपेश बघेल ने कोई गलत नहीं किया है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। विवादास्पद भोजशाला कामाल मौला मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, जहां तीसरे दिन रविवार को भी सर्वेक्षण किया गया। सूत्रों के अनुसार इस सर्वेक्षण में कई देवी देवताओं की मूर्ति मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम द्वारा अब ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, जहां कम टैक्स देने वालों पर नगर निगम शिकंजा कसेगा। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि आचार संहिता खत्म होने से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस बार कश्मीर में भी होली का खास अंदाज देखने को मिलेगा, जहां नाच गाना अबीर और गुलाल के साथ लोग जश्न मनाएंगे। इसे लेकर लाल चौक पर भी खासा तैयारी की गई है। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने रविवार को आरोप लगाया कि जब वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे तो उनके वाहन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाकर बाहर निकाला। मुंबई के सेवरी इलाके में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां सेवरी इलाके में स्थित शिविर में कुछ मजदूर गिर गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिविर में मरम्मत कार्य का काम चल रहा था, इसी दौरान कुछ मजदूर उसमें गिर गए। हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां गुजरात के अरावली जिले के अंसोल चेक पोस्ट के पास सामलाजी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए नकदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जैसलमेर में 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहे थे। पुलिस थाना अधिकारी खुशहाल चंद ने बताया कि दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दिया है। इस दौरान 58 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद दुलाल मियां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दुलाल मियां को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। होली से पहले नशे के खिलाफ सौर बाजार थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कांड संख्या 237/24 के प्राथमिक अभियुक्त संजय यादव पिता स्वर्गीय महेंद्र यादव थर ठेंगहा को 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जयशंकर यादव पिता अशोक यादव खेरा वार्ड नंबर 8 को 7.5 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है मेदीलाल मौर्य, संतोष भटनागर, अशोक परमार, सुनील कुमार पाथीपाका, सत्येंद्र साह, वीरेंद्र कुमार, करुणा चक्रवर्ती, गौतम महतो, खेम होम थापा, निरंजन जोशी, विजय सिंह बैरवा, शिवाजी पटेल, विनोद तिवारी, दीनाबंधु कलसाई, महादेव शर्मा, अंसारी रसीद, शिल्पी बेग बैनर्जी, सत्येंद्र साह, काजल कुमार गांगली, प्रवीण कलिता, सतीश चौबे, गीता अनुरागी, राजेंद्र केलवा, गुडवेज ट्रेवल, परशुराम, रियाज शेख, डीके लाइव न्यूज, अयोध्या प्रसाद राठौर, बंटी हजारिका, बलबंत सिंगिल, अशोक आर्या, श्यामनंदन चौधरी, रणधीर सिंह, प्रयास यादव, केपी तिवारी, प्रहलाद पंडित, हिंदुस्तान की आवाज, घरेलू खाना, रक्ष आर्या, एसपी सिंह, राजेंद्र केलवा, वीरेंद्र साह, विजय सक्सेना, विपिन कुमार सिंह, केशव चंद तिवारी, बलेंदु शर्मा, अरुण दांगे, उपेंद्र, सुनील कुमार पाथीपाका, राजेश रॉय, किरण मेहंदी आर्ट और अरविंद पासवान। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।